रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ महक फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मामा की महक। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं कुछ करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ बना के दिखाऊंगी और मैं क्या बनाऊंगी आप लोगों ने जरूर देखना है। आप लोगों ने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। और वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारी वीडियो को शेयर भी कर दें। अभी मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी नॉर्मल है, ज्यादा ठंडा नहीं है, क्योंकि मुझे पानी में चीनी मिक्स करनी है और ठंडे पानी में चीनी मिक्स नहीं होती। अभी मैं इसमें चीनी डालूंगी। सारी डाल दूंगी। अब मैं इसे चीनी मिक्स करने लगी हूँ। चीनी महक फातिमा मदानी से मिक्स कर रही है जी, क्योंकि मदानी ज़रा तेज़ घूमती है, उसके वो बने होते हैं ना पार से, पता नहीं क्या उन्हें बोलते हैं, तो उससे वो ज़्यादा होते हैं, तो जल्दी चीनी जो है मिक्स हो रही है। चम्मच भी घुमाना होता है ना, तो मदानी से ज़रा ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो अवैस इधर पास बैठा हुआ हेल्प करने के लिए। अवैस क्या कर रहे हैं? बच्चे स्कूल से आते हैं तो इतनी सख्त गर्मी होती है और आते ही इनके पसीने छूटे होते हैं तो फौरन नहलाने को भी दिल नहीं करता, कि वो कहते हैं कि जिस्म गर्म सर्द हो जाता है, बच्चा बीमार होने का खतरा होता है। इसलिए फिर ऐसे ही मैंने कहा तेरा हवा लगवाओ तो पानी में नहीं पियो, उसके बाद फिर नहा के तो कपड़े बदल लेना। तो इनका पापा भी कहीं गए हुए थे काम से, उन्होंने रस्ते में से फ़ोन किया कि मेरे आने तक स्कंदबीन बना के रखो। तो अब दोनों बहन भाई मिलकर स्कंदबीन बना रहे हैं। चलो हैदर आपके फिंगर पे लग जाएगा, फुल काटो ना। ये मैंने रखी है ना, मैं ये स्ट्रेनर रखा है इसके ऊपर, ये स्ट्रेनर रखे है ना, ये ऐसे फिर बीज अंदर नहीं जाएंगे। लो जी, मैं के पापा भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर्दी है कभी बाहर? बहुत ज्यादा सर्दी है, गर्मी की आखिर हो गई है। और इस वक्त मेरे यहाँ से एक बज रहा है। हाँ जी, इस वक्त तो फिर दोपहर का उरूज होता है, गर्मी का भी उरूज होता है, तो फिर इस वक्त बाहर जाना भी तो बड़ा बड़ी हिम्मत की बात होती है, लेकिन मजबूरी से फिर जाना भी पड़ता है। अभी मैं फातिमा जी ये स्टेनर पे लेमन निचोड़ रही है। हाँ जी, बहुत। हाँ मिश्री करो। सारी फैमिली मिलके बना रही है जी। इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं है स्कंजबीन के जितने लोग लगे हुए। लोग हम बना रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इसी तरह फिर सब कुछ सीखना चाहिए ना, किसी को किसी को प्रॉब्लम बनानी पड़ जाए। हाँ जी, कहते हैं इत्तेफाक में बरकत है, तो इत्तेफाक से काम करने से चीज में ज्यादा जो है वो लज्जत आ जाती है। लाओ चेक करो, चेक करो ना मुझे। चलो बस है, जरा छोड़ दो ना बेटा। चीनी भी मिक्स हो गया, नमक भी मिक्स हो गया, तो अब मैं इसमें पानी डाल, लेमन डाले। हाँ लेमन, ठीक हो गया। चलो अब ठंडा पानी मिक्स कर रही है जी मैं फातिमा। हम लोग बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीते, हम लोग ना बर्फ नहीं डालते ज़्यादा, तो ये बस नॉर्मल सा ही पानी ठंडा होता है जो कि हम लोग पीते हैं, तो वो मैं फातिमा ने डाल दिया है। तो हैदर को बहुत मज़ा आ रहा है, वो बार बार मदाने चलाए जा रहा है। जब तक मक्खन नहीं निकलेगा ना हैदर छोड़ेगा नहीं। पानी का मक्खन डालना है। भाग गया। शाहजेब भी आ गया जी, माशाल्लाह फैमिली पूरी हो गई है जी, और स्कंजबीन भी तैयार हो गई है। बस।
और ये देखें जी साहिबान के नीचे बैठ के तुस्कंजमी पी जा रही है। माशाल्लाह जी बहुत टेस्टी बनाई है, बहुत मजेदार है, किसी ने पीनी है तो आ जाए, वेलकम। ठीक है जी, फिर इसके साथ इजाजत दें जी, अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासिर हो जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।